सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल इंजीनियर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले रिपेयर वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे है? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोबाइल इंजीनियर और मैं आज आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम या वन नेक्स्ट अगर डेड हैंडसेट आपके पास आए तो आप उसको कैसे ऑन कर पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो खास करके आपको दिखा रहा हूँ और जो नए नए मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आपके पास समझे कि ऐसे एक हैंडसेट आया है कि वो ऑन नहीं हो रहा है तो आप फास्ट उसको चेक कीजिए। कोई भी हैंडसेट हो, नॉन रिमूवेबल बैटरी हो, जैसे कि आप बैटरी नहीं निकल सकते तो फास्ट आपको जो करना है वॉल्यूम डाउन अप और पावर की एक साथ दबा के रखना है। उसके बाद फिर भी नहीं हुआ तो आप चार्जर लगा सकते हैं। चार्जर लगाने के बाद उसको दबा के रखिए 20 या 25 सेकंड तक, अगर शायद वो ऑन हो जाए। उसके बाद भी अगर ऑन ना हुआ तो आपको हैंडसेट खोलना है। खोल के आपको देखना है कि हैंडसेट लिक्विड डैमेज है कि नहीं। तो अगर लिक्विड डैमेज है तो प्लीज़ उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर आप उसको शॉर्ट चेक कीजिए कि वो शॉर्ट है कि नहीं है। तो हम ये हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, ये शॉर्ट भी नहीं है, लिक्विड डैमेज भी नहीं है, फिर भी हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी पर भी चार्ज है, उसके बाद भी हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा चेक करेंगे कि इसका इंटरनल प्रॉब्लम क्या हुआ है। अब हमें इसका मदरबोर्ड चेक करना है। अब कैसे मदरबोर्ड चेक कर पाएंगे, जैसे देखते हैं ये जो आईसी है ये आपका पावर आईसी आएगा। अगर डेड हैंडसेट है, लिक्विड लॉक नहीं है, शॉर्ट नहीं है तो इस आईसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस आईसी को कैसे टेस्ट करेंगे, अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इसको लिख सकते हैं। आपको सिंपली चार्जर लगाना है हैंडसेट पर, फर्स्ट देखना है जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पर आपका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बैटरी पर परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है। और ये जो कॉयल है, आपको इस कॉयल को चेक करना है। ये कॉयल को ऊपर आपका 0.8 वोल्ट आएगा, अच्छे से मैं और एक बार बता रहा हूँ, 0.8 वोल्ट आएगा आपका इस कॉयल के ऊपर। कॉयल को चेक करना है, जीरो पॉइंट सेवन सेवन एक वोल्ट आ रहा है, टू, ये दो हाई वोल्टेज आ रहा है। या तो इसके आसपास जो कैपेसिटर है उससे वोल्टेज मिसयूज हो रहा है या आईसी से कुछ दिक्कत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका जो साइड में जो कॉयल है, कॉयल के ऊपर पेस्ट डालकर इस कॉयल को हम हीट करेंगे। पहले हम आईसी पर हीट नहीं करेंगे तो आईसी भी खराब हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ऐसे कोई हैंडसेट है आपके पास तो जो आसपास जो कॉयल मिलेगा आपको उस कॉयल के ऊपर ही आपको हीट करना है। आईसी के ऊपर हीट मत कीजिए, नहीं तो आईसी खराब हो सकता है। थोड़ा टेम्परेचर देख लेंगे,
80 डिग्री तक टेम्परेचर ठीक है। हम इस मदरबोर्ड को ठंड करेंगे, आपको 48 डिग्री के नीचे आने के बाद ही मदरबोर्ड को ऑन करना चाहिए, नहीं तो मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, ये आईसी खराब हो जाएगा। 48 डिग्री के ऊपर हीट रहेगा, आप हैंडसेट को ऑन करना चाहते हैं तो हैंडसेट खराब हो सकता है। तो देख लीजिए, हमें ये जो कॉयल है इस कॉयल का ऊपर हीट करना है, ये कॉयल को, इस कॉयल को रिसोल्डर करने से हैंडसेट ज़्यादातर 90% ऑन हो जाता है, आईसी ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। तो हम डायरेक्ट इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे करके रिपेयर करके ऑन किया है तो बैटरी में वोल्टेज हो या ना हो, आपको एक चीज़ देखना है, हम डायरेक्ट ऑन नहीं करेंगे, हम हीट किया ठंड होने के बाद हम चार्जिंग लगाएंगे। तो लीजिए फैन से चार्ज हो रहा है, ये ऑन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।